और जिसमें खटास नहीं रहती, इसलिए तो भगवान को कन्हैया जी को प्रिय मक्खन। भगवान खट्टा नहीं खाते, मिर्ची वाला भी नहीं खाते, और आपको कभी चढ़ाना भी नहीं चाहिए भगवान को खट्टा। कई लोग खट्टा मीठा मिर्ची सब चढ़ाते, जिनके घर में लहसुन की चटनी बनी वो भी भगवान को परोस दो, पर ऐसा निषिद्ध है। पर जो बहुत ज्यादा प्यार करते भगवान से, वो भगवान को वंचित नहीं रखना चाहते किसी स्वाद से। एक तो इतना जोरदार मैंने एक व्यक्ति की कथा सुनी ऐसी किताब में, एक बहुत बड़े काशी में कोई पंडित जी थे, वो बड़े नियम के पक्के, तो उन्होंने ऐसी कई कथा सुनी और प्रवचन में सुन लिया कि भाई भगवान को आप पानी पियो तो पानी से पिलाओ, आप सोओ तो उनको पहले सुलाओ, आप गाड़ी में बैठो तो पहले उन्हें गाड़ी में बिठाओ, आप खाना खाओ तो पहले उन्हें खाना खिलाओ, कपड़े पहने तो आप पहले कपड़े पहनाओ, यानी आप जो भी काम करें अपने सुख के लिए वो सब पहले भगवान को परोसो, फिर बाद में आप करो। तो फिर बाद में वो पंडित जी को क्या हो गया, उनको हो गई डायबिटीज। डायबिटीज हो गई तो डॉक्टर ने इलाज दे दिया, गोलियां दे दी। अब पंडित जी ने कहा मैंने तो कथा में सुना भगवान को जो भी करने का तो पहले करो, तो भगवान के सामने उन्होंने पहले दो गोली निकाल के रख दी डायबिटीज की, भगवान को गोली चढ़ा दी उन्होंने मंदिर में, भगवान को गोली खिला दी। अब किसी ने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो, भगवान को थोड़ी बीमारी आती है तो गोली वोली क्यों खिला रहे हो भैया, ये अच्छी बात नहीं है भाई। भगवान को खट्टा खिलाना भी निषिद्ध है, भगवान को मिर्ची खिलाना निषिद्ध है, कोई भी अभक्ष पदार्थ भगवान को भोग लगाना पाप है। तुम है कि ये खिला रहे हो गोलियां दवाइयां, तुम ड्रग्स भगवान को खिला रहे हो। तो उस भक्त ने कहा मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, ये सुगर दुनिया में कहीं अलग से नहीं आ गई है, ये सुगर भी भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। अगर भगवान ने ये सुगर दिया है तो पहले भगवान गोली खा, बाद में मैं गोली खाऊंगा। मैंने क्या गलत कर दिया है कुछ, ये सुगर का मैं थोड़ी लाया हूं कहीं से, ये तो अपने आप प्रकट हो गई, डॉक्टर ने बताया सुगर हो गई, मुझे क्या पता कहां से होगी, कब हो गई, मुझे क्या मालूम है कब हो गई। इसीलिए अब ये दिया जिसने है, पहले वो स्वाद चख लो गोली का। और सुनिए, पंडित जी उतना होशियार था कि भगवान का झूठा जो भोजन होता है वो अमृत बन जाता है महाराज। इसलिए उसने कहा कि ये गंदी गोली भगवान चख लेंगे तो ये भी मीठी हो जाएगी, मैं खुश हो जाऊं, इसलिए उसने भगवान को अर्पण किया। कभी कभी आदमी का जो नित्य नियम है, उस नित्य नियम में वो मिट्टी भी भगवान को अर्पण कर देता है तो वो भी रसमलाई बन जाता है, वो भी रबड़ी बन जाता है। और आपने कथा तो रामायण में सुनी है सबरी की, वो भगवान को नित्य भोग लगाती थी इसलिए भगवान ने झूठा भी खा लिया। विदुर की पत्नी सुलभा, वो भी भगवान को रोज भोग लगाती थी तो भगवान ने उनके घर में छिलका खा लिया केले का। भाई आप भगवान को किसी भी रूप में रोज अगर मिलते जुलते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर भगवान को आपकी नफरत भी प्यार ही लगता है। अगर आप रोज भगवान से प्यार करते, रोज आप उनको मानते, रोज आप उनकी भक्ति करते, रोज उनको संवेदना देते, रोज उनकी उन्नति करते, रोज उनका सुख देते, तो फिर आपकी जो नफरत है वो भी भगवान को प्यार ही लगने वाला है। भगवान नफरत में आपको डंडे देने वाला नहीं। आप रोज आज्ञा मानते हैं तो आप जिस दिन आज्ञा तोड़ेंगे भगवान उस दिन आपको अपराधी नहीं करेगा, आपकी आज्ञा तोड़ने को भी भगवान आपका कर्म मानकर फल देगा।